हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है ऑफ रोड रेसिंग कार। सो फ्रेंड्स इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर अभी इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो को देख लीजिए। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसके फ्रंट पे जो है यहाँ पर LED लाइट नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम वही सीखेंगे हाउ टू इंस्टॉल LED लाइट इन फ्रंट ऑफ ऑफ रोड रेसिंग कार। सो फ्रेंड्स इस ऑफ रोड रेसिंग कार के फ्रंट में हम यहाँ पर LED लाइट का यूज करेंगे, और फ्रेंड्स ये लाइट जो है तब जलेंगी जब ये कार जो है फॉरवर्ड यानी कि आगे को चलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स बना देरी करते हुए करते हैं इस वीडियो को शुरू, और सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या हमें क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आपको कोई भी ज़्यादा मटेरियल यूज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये यहाँ पर देख सकते हैं 5mm की दो LEDs ले ली हैं, वो आपको मिल जाएंगी आपके पास वाली शॉप से, इलेक्ट्रॉनिक शॉप से, या फिर आपको अभी चाहिए तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं जिसमें आपको इन LEDs का लिंक मिल जाएगा, लेकिन वहाँ से आपको थोड़ी सी महंगी पड़ सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ कि आपको इन दोनों LED को किस तरीके से यहाँ पर इसके फ्रंट में सेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी कि यहाँ पर हमें इसको खोलना पड़ेगा, पूरी कार को ओपन करना पड़ेगा, और इसके जो फ्रंट में है यहाँ पर दो होल करने पड़ेंगे, यानी कि चार, दो होल और दो होल यहाँ पर, यानी कि चार होल करने पड़ेंगे LEDs के लिए। तो चलिए फ्रेंड सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे मुश्किल काम जो है इसको निकालना है, क्योंकि अगर आप इसके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे टूट भी सकता है। तो फ्रेंड्स मैं इसको निकालने के लिए यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ नाइफ का। आप जानते हैं आपके घरों में इजीली अवेलेबल है, किचन में जाइए और जाकर उठा के ले आइए। तो आप देख सकते हैं ये टूट भी सकता है, लेकिन बिना उसकी परवाह करते हुए मैं फिर भी इसको एक बारी निकाल लेता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप बड़ी ही ईजिली ये निकल गया, लेकिन यदि आप इसके साथ ज़बरदस्ती करते हो ये बिल्कुल नहीं निकलता। तो ऑलमोस्ट जो है सारे काम मैं कर चुका हूँ। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके का इनसाइड व्यू है इस कार का। यहाँ पर इसका जो रिसीवर बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, ये है इसका मोटर बॉक्स। ये इसको यहाँ पर एक मोटर लगा जो कि इसको लेफ्ट और राइट टर्न करता है। इनको रखता हूँ साइड में। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर वायर जो है वो कनेक्ट कर चुका हूँ, रेड में रेड और ब्लैक में ब्लैक कनेक्ट कर चुका हूँ। और यहीं पर अब मैं एक वायर लूँगा जो कि आप अपने मोबाइल चार्जिंग केबल में से आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने वहीं से निकाला, आप भी वहीं से निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई और वायर भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इनको भी कनेक्ट
कर दूंगा। चलिए फाइनल वर्क की तरफ बढ़ते हैं। अब ये वायर जो है मेरे को गाड़ी का पूरा सेट यहाँ पर ले आता हूँ और रखता हूँ अभी से यहाँ पर। तो अब ये वायर मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। देखा फ्रेंड्स आपने। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कनेक्शन कैसे करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसके रिसीवर बोर्ड को कर लेता हूँ ओपन और रखता हूँ इसे साइड में। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको पास से दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा वायर है जो कि हमारे स्विच बोर्ड से आ रहा है, तो ये हमारा है रेड वायर यानी कि पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पॉजिटिव है और हमारे मोटर के जो वायर हैं वो यहाँ से होते हुए दोनों मोटर्स के वायर एफ़ और बी में है। तो एफ़ में या फिर बी में, हमें यहाँ पर एफ़ या फिर बी इन दोनों कोई से पॉइंट में अपनी एलईडी का नेगेटिव वायर कनेक्ट करना है। और जो हमारा एलईडी का रेड वायर है वो इस यानी कि जो स्विच बोर्ड से वायर आया हुआ है उसमें कनेक्ट कर देना है। ध्यान से सुनिएगा एक बार और, यदि आपके पास ये कार है, आप करना चाहते हैं कोई भी कार है उसके अंदर यदि आप एलईडीज़ को लगाना चाहते हैं, तो जो हमारा मेन रेड वायर है जो कि डायरेक्ट स्विच से आया हुआ है उसके अंदर आपको एलईडी का रेड वायर लगाना है। और मोटर के कोई से भी वायर पे यानी कि या तो इस पे या फिर इस पे या येलो पे या फिर ब्लू पे कोई से वायर पे आप एलईडी का नेगेटिव वायर लगा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इन दोनों को सोल्डरिंग करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स वायर जो है कनेक्ट हो चुके हैं। रेड मैंने आपको बताया था जहाँ पर रेड वायर आपको कनेक्ट करना है, जो है मेन जो स्विच बोर्ड से वायर आया हुआ है रेड, उसके अंदर आपको एलईडी का रेड कनेक्ट कर देना है। और मोटर के कोई से भी वायर में आपको ब्लैक वायर कनेक्ट कर देना है। तो चलिए जल्दी से मैं इस कार को ऑन कर लेता हूँ और ऑन करके आपको ज़रा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आखिर ये वर्क करते हैं। ये है मेरा रिमोट कंट्रोल और जैसे ही मैं रिमोट कंट्रोल की को प्रेस करूँगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, जैसे ही मैं रिमोट कंट्रोल की को प्रेस कर रहा हूँ ये वर्क कर रहा है। जब आप बैक करेंगे कार को तो ये वर्क नहीं करेगा, जब आप फॉरवर्ड करेंगे कार को तो ही ये वर्क करेगा। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से मैं इस कार को भी पूरी को स्क्रू टाइट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्क करती है। सो फाइनली फ्रेंड्स हम इसके अंदर अच्छे तरीके से हमारे जो LEDs हैं वो इंस्टॉल कर चुके हैं और अब ये कार जो है बिल्कुल रेडी है चलने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार फिर मैं आपको इसका डेमो करके दिखा देता हूँ कि कितनी बढ़िया है जो LED लाइट्स हैं वो लगती हैं। तो ये रहा मेरा रिमोट और जैसे ही मैं फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो हमारी जो LED लाइट हैं वो जल उठती हैं, लेकिन बैकवर्ड पे नहीं जलती। मैंने आपको बताया फॉरवर्ड पे ही ये काम करेंगी। तो फॉरवर्ड की को जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं LED लाइट जो है वो जल उठती हैं। फ्रेंड्स अभी आपको इतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन वहीं आप इसको अगर नाइट में यूज़ करेंगे तो ये कार जो है काफ़ी शानदार दिखाई देती है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये कार जो है एकदम लग रही है, यूनिक किस्म की। ऑलराइट फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।